हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जेड की। तो थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा बहुत ही कमाल की अनबॉक्सिंग होने वाली है आज। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। तो स्टार्ट करते हैं अपने फायर अनबॉक्सिंग की प्रक्रिया। तो देख रहे हो भाई की क्रिएटिविटी को, तो देखिए ऐसी अनबॉक्सिंग पूरे यूट्यूब पे आपने, है ना, एकदम यूनिक कंटेंट। मजाक कर रहा हूँ यार, ज़्यादा बोल दिया, दिल पे ना लेना। तो दोस्तों टाइम पास बहुत हो गए, जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इस ईयरफोन की। तो दोस्तों पीछे आपको सारे फीचर्स लिखे हुए मिल जाते हैं जो कि इसके सेलिंग पॉइंट है। तो सबसे पहला है यहाँ पे वार्प चार्ज। तो यहाँ पे 10 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा सिर्फ 10 मिनट्स के चार्जिंग के साथ, और फुल चार्ज पे ये ईयरफोन्स 20 आवर्स तक आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको मैग्नेटिक कंट्रोल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे ही आप अपने ईयरफोन्स को सेपरेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। बाकी मैग्नेटिक कंट्रोल से आप कॉल्स भी पिक कर पाएंगे। और ये ईयरफोन्स IP55 सर्टिफाइड है, जिससे कि आपको इस ईयरफोन में स्वेट और वाटर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है, जो कि आजकल आपको सारे ही ब्लूटूथ ईयरफोन्स में देखने को मिलते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पे एट ए टाइम दो डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, और डबल टैप करेंगे दोस्तों तो आप अपने डिवाइसेस के बीच में स्विच भी कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको लो लेटेंसी मोड भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको गेमिंग में बिल्कुल भी लेटेंसी नहीं मिलने वाली, या फिर आपको बहुत ही माइनर सी लेटेंसी देखने को मिलती है जो कि नेग्लिजिबल है। और ये ईयरफोन्स मैन्युफैक्चर हुए थे अगस्त 2020 को, जिसकी MRP है 2190। तो दोस्तों वन प्लस की तरफ से काफ़ी कमाल की पैकेजिंग मिलती है। मैंने इनके पुराने वाले बुलेट्स वायरलेस को भी यूज़ किए हैं, जिसकी प्राइस थी 4000 रुपीज़, और वो भी वन प्लस की तरफ से बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट था। तो फटाफट से यहाँ पे बाकी बॉक्स कंटेंट्स की तरफ नज़र डालते हैं। तो ये एक छोटा सा बॉक्स दिख जाता है आपको, इसमें आपको USB टाइप सी वाला केबल दिया जाता है चार्ज करने के लिए। इसकी वायर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और बाकी दोस्तों दूसरी तरफ आपको एक्स्ट्रा ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं, स्मॉल और लार्ज साइज वाले, और आप अपने फिट के हिसाब से इस ईयरबड्स को चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको रेगुलर पेपर वर्क देखने को मिल जाता है, इसे हम साइड में रखते हैं और चलते हैं अपने ईयरफोन की तरफ। दोस्तों ये रहे हमारे ईयरफोन्स। तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पे आपको काफी कमाल की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है इन ईयरफोन्स के साथ। यहाँ पे आपको जो ये नेक बैंड मिलता है, ये कम्प्लीटली रबर का बनाया हुआ है, बहुत ही कमाल की क्वालिटी है। तो बाकी दोस्तों इस प्राइस रेंज में जो और भी बहुत सारे ईयरफोन्स आते हैं, तो उनमें आपको प्लास्टिक का नेक बैंड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपकी बैटरी होती है, और ये कम्प्लीटली प्लास्टिक का बनाया हुआ है और कम्प्लीटली आपको प्लास्टिक फील आता है। दूसरी तरफ यहाँ पे आपको टाइप सी चार्जिंग का पोर्ट देखने को मिल जाता है, और यहीं पे आपको वन प्लस की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। बाकी यहाँ पे जो नीचे की तरफ आपको बटन दिया हुआ है, ये यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाते हैं, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप, और ये जो बीच में बटन है, इससे आप कॉल्स रिसीव कर सकते हैं, अपने म्यूज़िक को प्ले और पॉज कर सकते हैं। और ये ईयरफोन्स दोस्तों प्लास्टिक के हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं आप इसे मैग्नेट से ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों इसके ईयरबड्स भी काफ़ी यूनिक है, काफ़ी कमाल के हैं, अंदर भी आपको रेड कलर मिल जाता है। तो मुझे पर्सनली दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा इसका डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी। तो जल्दी से यहाँ पे इस ईयरफोन को मैं अभी कनेक्ट कर लेता हूँ मेरे मोबाइल से। तो मैं यहाँ पे वन प्लस 6 फोन यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो जैसे ही मैंने इन ईयरफोन्स को सेपरेट किया, तो इंस्टेंटली दोस्तों यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन मिल गया टैप टू पेयर का। और इसी प्रकार से बड़ी ही आसानी से आप इस ईयरफोन्स को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे अब हम इस ईयरफोन के ऑडियो क्वालिटी की तरफ। काफ़ी कमाल का ऑडियो क्वालिटी है दोस्तों, बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है, काफ़ी क्लियर यहाँ पे वोकल्स मुझे सुनाई दे रहे हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसकी वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया, तो काफ़ी ज़्यादा लाउड हो गए थे दोस्तों, मैं यहाँ पे ज़्यादा देर तक इसे टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। तो वोकल्स वगैरह काफ़ी क्लियर है यहाँ पे इस ईयरफोन में। तो बेस की बात करूँ तो यहाँ पे बेस भी डिसेंट है, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी मिल जाता है। हाई वॉल्यूम पे मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला इस ईयरफोन से, अराउंड 70-80% वॉल्यूम में आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो ऑडियो के मामले में यहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं है इन ईयरफोन से। तो अब देखते हैं यहाँ पे इसका मैग्नेटिक कंट्रोल्स कैसे काम करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है मेरे फ़ोन में। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इस ईयरफोन के मैग्नेट को कनेक्ट किया, तो ये सॉन्ग पॉज हो गया दोस्तों। लेकिन मैग्नेट से डिसकनेक्ट करने के बाद सॉन्ग रिज्यूम नहीं हो रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे कोई मुझे सेटिंग्स एनेबल करनी पड़ेगी। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। ऑटो प्ले का ऑप्शन है, स्मार्ट आंसर फॉर ब्लूटूथ। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे अपने ऑटो प्ले फीचर को एनेबल कर देते हैं, तो उसके बाद आप अपने म्यूज़िक को मैग्नेटिकली कंट्रोल कर पाएंगे। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है स्मार्ट आंसर फॉर ब्लूटूथ। तो जैसे ही आप अपने ईयरफोन्स को सेपरेट करेंगे एक दूसरे से, तो ऑटोमेटिकली आपके ईयरफोन्स मोबाइल से कनेक्ट हो जाएंगे, और इसी के साथ कॉल भी आंसर हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे इन ईयरफोन्स को सेपरेट करता हूँ, तो म्यूज़िक अपने आप ही रिज्यूम हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पे इसके कॉल क्वालिटी को चेक कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ पे इन ईयरफोन्स को सेपरेट किया,
तो यहाँ पे मेरा कॉल रिसीव हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये फीचर मुझे पर्सनली दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा। तो कॉल क्वालिटी भी दोस्तों इस ईयरफोन की काफ़ी अच्छी लगी मुझे। तो मैंने यहाँ पे इस ईयरफोन्स को ड्राइविंग के वक्त भी यूज़ किया है, तो काफ़ी क्लियरली मैं सामने वाले इंसान को सुन पा रहा था और जो मैं बोल रहा था दोस्तों वो भी काफ़ी क्लियरली सुन पा रहा था। तो ऑल इन ऑल दोस्तों ये काफ़ी अच्छा पैकेज है OnePlus की तरफ से। तो मैं दोस्तों यहाँ पे पिछले 2 से 3 साल से OnePlus के जो फर्स्ट वायरलेस बुलेट्स ईयरफोन्स आए थे उसे मैं यूज़ कर रहा था, तो अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई थी। लेकिन जो लेफ्ट साइड वाला वायर था वो गलती से कट गया, इसके वजह से मुझे नया ईयरफोन लेना पड़ा। और मैं दोस्तों OnePlus के प्रोडक्ट्स को काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे अभी तक OnePlus की ओर से कोई प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिली। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।